उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबद्ध ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन सेक्टू ने कमला नेहरू हॉस्पिटल पर किया प्रदर्शन। डाबी पॉल की माफी मांगने तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबद्ध ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन सेक्टू द्वारा आज कमला नेहरू हॉस्पिटल प्रयागराज में आशा वर्कों ने डॉक्टर बी पाल द्वारा दिनांक 6 फरवरी 2024 को विकासखंड चाका की आशा प्रतिमा तिवारी को दी गई गाली एवं पीटने का प्रतिरोध किया और प्रशासन से यह मांग किया कि डाबी पॉल आकर गलती मांगे, लेकिन डॉक्टर अपनी टेक पर है और यह कह रहा कि और मारेंगे। आशा वर्कर्स यूनियन इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रतिमा तिवारी पालपुर चाका 6 फरवरी 2024 को अपनी बहन को दिखाने कमला नेहरू हॉस्पिटल में आई थी। डॉक्टर ने मरीज देखने के जांच की रिपोर्ट नहीं वापस कर रहा था। रिपोर्ट मांगने पर डॉक्टर ने प्रतिमा जी को पीटा और गाली देकर धक्का दिया। वहां मौजूद और मरीजों ने कहा कि ये डॉक्टर आए दिन बहुत लोगों के साथ यही व्यवहार करता है। डॉक्टर के इस व्यवहार से जनपद की आशा वर्करों में रोष है। न्याय न मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। जांच कराई सरकारी हॉस्पिटल में 2.5 से 3 हजार का वो जांच कराई, अल्ट्रासाउंड कराई, ब्लड जांच कराई, सारा जांच कराने के बावजूद, इतना भीड़ के बावजूद जब मेरी बहन उस डॉक्टर साहब से मिलने आई तो उनका टाइम खत्म हो चुका था। उन्होंने गए लंच करने, लंच करके आए 5 बजे दोबारा से वो ओपीडी में बैठे तो वहाँ पे सिस्टर, उनके चैम्बर में मौजूद सिस्टर ने यह बोला कि अगर डॉक्टर साहब को दोबारा दिखाना है तो दोबारा पर्ची कटानी होगी। एक ही दिन में डबल पर्ची कटी, 5 बजे दोबारा मेरी बहन ने कटाया, पर्ची कटाया, डॉक्टर साहब को दिखाया। जो महिला, जो पेशेंट चलने में असमर्थ है, उसको अगर हमारी आशा बहन ने मदद किया, डॉक्टर साहब के चैम्बर तक ले गई, तो उसको बोलते तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तो उन्होंने बताया सर महिला चल नहीं पाती, मरीज को चलने फिरने में असमर्थ, उसको वहाँ बैठाई, कहा तुम लोग निकल जाओ केबिन से बाहर। केबिन से आई मेरी बहन बाहर, उसको बोलती है तुम्हारे कैंसर है, तुम्हारे पूरे शरीर में फैल चुका है, ठीक है तुम्हारा दवा होगा क्या कैसे, उससे बदतमीजी से बात की। फिर इन्होंने जब बात की कि सर टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मेरा रिपोर्ट दे दीजिए, हम जा रहे हैं घर, कल या परसों हम फिर आके दिखा देंगे। उतने में डॉक्टर साहब कहा कि निकल जाओ बदतमीज, तुमको कोई रिपोर्ट नहीं, खींच के तमाचा हमारी बहन को मार दिया। और उस बहन को मारा जिसकी उम्र 50-55 साल के आसपास है, जो कि हम लोग एक मानदेय पे काम नहीं करते, हम लोगों को एक प्रोत्साहन राशि मिलती है 2800, 2000, 3500, 3200, कोई मंथली पेमेंट नहीं है। उस 2800, 3200, 3500 में हम लोग 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हैं, अपने आगे की थाली छोड़कर चले जाते हैं अगर उस महिला की हेल्प करने के लिए। डॉक्टर साहब ने हमारे बेइज्जती किया, उनको थप्पड़ मार के मार भगाया, कैंसर के डॉक्टर जो डॉक्टर बी पॉल, उन्होंने, मैं ये चाहती हूँ उन्होंने जैसे हमारे बहनों के साथ बदतमीजी की उन्होंने मारा, वो आके अगर माफी मांग लेंगे तो हम बहने इस पे शांत, अगर नहीं माफी मांगते हैं तो इनको इस्तीफा देना होगा अपनी कुर्सी। ₹300 का उसके बाद दिखाए सर को, सर बोले अल्ट्रासाउंड जांच कराइए, जांच करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए, बोले 5 बजे रिपोर्ट मिलेगी। हम 5 बजे तक के वेट किए, 5 बजे का रिपोर्ट मिली, वो बोले 300 पर्ची बनवा के यहाँ दिखा दिया ना, वही डॉक्टर फिर से बैठते हैं। एक ही दिन में 2 पर्ची बनी, तो हमने फिर 300 जमा करके फिर पर्ची बनवाई। जब सर को दिखाने गए, नंबर लगा, पेशेंट को हम लोग गोदी में ले लेके वहाँ गए, हर एक जगह जांच कराने, चल नहीं पाता है। फिर 2 लोग पकड़ के डॉक्टर साहब के पास ले गए, तो बोले कि जो है तो तुम लोग क्यों आए हो, भाग जाओ। हम कहा सर पेशेंट नहीं चल पाता है इसलिए है, तो उसे बैठा दिए, भागो, हम लोग बाहर हो गए। फिर बुलाए गए, पेशेंट से कहते हैं कि तेरे जो तुम्हारे कैंसर हो गया है, तुम्हारी पूरे जो है जो कैंसर फैल गया है। और हम लोग जो फिर बोले कि सर अकेले हैं नहीं रह पाती हैं, अच्छा देखे दवा लिखे 2 दिन के, कहे कि इसे खा ले जाओ, उसके बाद जो है तो कल फिर अल्ट्रासाउंड और MRI जो है कराना, वो लिखे हैं सर। तो उन्होंने जो है तो बोल दिए, तो हम कहा सर रिपोर्ट दे दें, वो मेरा रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड रख लिए, कहा सर रिपोर्ट दे दें, कहीं भाग जाओ। उनके जो था बुलाता है सबको, वो बोला भाग जाओ, मार दौड़ पर हमें गुस्सा आके। उस तो हम कहा सर रिपोर्ट दे दीजिए, तो हम डॉक्टर साहब उठ के हमारे यहाँ पे मार दिए एक छापड़। डॉक्टर भी पार हैं, एक
छापर हमारे मार दिए सर, वहाँ से भागो बाहर निकले, हमें वहाँ बाहर तक खदेड़े आए डॉक्टर साहब। आप क्या चाहती हैं सर? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें मारे अगर पेमेंट नहीं मिल हमारा सकता हमारा रिपोर्ट में हमारा जो है तो हम मुकदमा लड़ने लाए नहीं, हमें टेबल 600 मिलता सर, हम 9 महीना उसकी सेवा करते पेशेंट के, और सब तरह के पेशेंट ले जाते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे डिलीवरी हो, हम लोग काम कर रहे हैं सब। तो हमें जो मारे हैं आगे हमसे माफी मांग लो तो हम उनसे उतर देंगे, आज ही दौड़ पड़ेगा। क्या नाम है आपका? प्रतिमा तिवारी।